कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव के लिए लगातार पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी कुछ वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। एक कर्नाटक में नंदिनी डेयरी की आइसक्रीम खाते हुए तो दूसरी पुरानी दिल्ली में स्ट्रीट फूड का मजा लेते हुए। इस बीच कर्नाटक का एक और वाक्य भी खूब चर्चाओं में आ गया है। जब राहुल गांधी घूम घूम कर लोगों से मिल रहे थे और पार्टी का प्रचार कर रहे थे, इस दौरान उनसे कुछ महिलाएं मिलने के लिए बेताब दिखी थी। तब सिक्योरिटी के चलते पहले राहुल को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। फिर राहुल पूछते भी है कि गेट बंद क्यों है, गेट खुलवाते हैं, वो महिलाओं से मिलते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। वीडियो में भी महिलाओं के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल देखी जा सकती है। ये वीडियो तो वैसे पुराना है, लेकिन जब बीते दिनों दिल्ली हाइट्स की तरह राहुल भीड़ भाड़ वाली पुरानी दिल्ली पहुंच गए तो उनके पुराने वीडियो भी सामने आने लगे। राहुल का यही सिंपल अंदाज जनता को पसंद आ रहा है और इसी वजह से लगातार वो सुर्खियों में भी बने रहते हैं। अरे बीते दिनों जब राहुल गांधी दिल्ली में स्ट्रीट फूड की क्रेविंग मिटाने निकले तो पहले मोहब्बत की शरबत पी, तरबूज खाए, बंगाली मार्केट की गोलगप्पे और मटर चाट भी ट्राई किया। इस दौरान वो हमेशा की तरह लोगों से मिले, उनसे बातचीत की। रमजान के दौरान दिल्ली में वैसे ही इतनी भीड़ होती है, लेकिन राहुल गांधी के पहुंचते ही वहां भीड़ और दोगुनी हो गई, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।